नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार और आप इस वक्त समाधान इंडिया के साथ। कोरोना महामारी का असर इस बार दुर्गा पूजा पर भी पड़ेगा। जी हां, दुर्गा पूजा के मौके पर प्रखंड के अलग अलग स्थानों पर आयोजित होने वाले पूजनोत्सव को देखते हुए शनिवार को बेंगाबाद थाना परिसर में पूजा समितियों के साथ एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी दीपक कुमार ने की। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने समितियों से पूजा संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी ने समितियों को पूजा संबंधी सरकारी दिशा निर्देशों से अवगत भी कराया। थाना प्रभारी ने सभी पूजा समितियों के साथ एक शपथ पत्र भी लिया। शपथ पत्र में क्या है, सबसे पहले आपको बता दें कि शपथ पत्र में सरकार द्वारा दिशा निर्देश जो है उसे पालन करने की बात कही गई है, जैसे फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मूर्ति को पंडाल पर्दा में रखने, बाहर से दर्शन की व्यवस्था नहीं होने, पूजा पंडाल के आसपास किसी भी तरह की दुकानें नहीं लगाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित नहीं करने, डीजे नहीं बजाने सहित अन्य निर्देशों की बात शपथ में कही गई है। मौके पर पूजा समिति के रामेश्वर कुमार, चंद्रशेखर हाजरा, दिनेश कुमार, द्वारिका रजक, अजय गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। आगामी दुर्गा पूजा को मद्देनज़र रखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में क्षेत्र में जो भी दुर्गा पूजा समिति संचालक थे उनके साथ आज एक मीटिंग किया गया था, जिसमें उन लोगों को जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा जो COVID-19 को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया है पूजा को लेकर, उनके बारे में उनको जानकारी दी गई है और उनका अक्षरशः अनुपालन करने का भी बात कहा गया है। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने हैं तो सभी दुर्गा पूजा समितियों से एक शपथ पत्र भी लिया है, ताकि जो है सो इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।